ये है हमारा अकोटा ब्रिज। ये जो आप ऊपर सीलिंग देख रहे हैं, इसके ऊपर पूरा के पूरे सोलर पैनल से पूरा बनाया हुआ है। सो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने का। और इसके आगे ये अपना राजमहल रोड स्टार्ट होता है। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं वडोदरा में हूँ, तो यहाँ तो ऐसा माहौल देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आज के दिन यहाँ छतों पर सवेरे से सभी लोग चिक्की फिर उंधियू जलेबी लेके छत पे सवेरे से चढ़ जाते हैं, तो शाम तक ये माहौल बना हुआ है और डीजे लगा हुआ है, डांस और ये सब आवाज़ें भी आपको आ रही होगी आजू बाजू में। और अभी हम लोग अकोटा ब्रिज पे आए हैं जहाँ से पूरा सिटी का नज़ारा दिख रहा है, तो आपको दिखाते हैं यहाँ से व्यू। ये सामने पूरा जो वो है आप देख रहे हो भाई, ये पूरा पतंगों से भरा हुआ है। इतनी पतंगे है ना कि आपकी पतंग उड़ती है 5 मिनट पे कट के बाहर आ जाती है। ये आया है ये देखिए लोग कैसे छत पे उड़ के छत पे अपने पतंग उड़ा रहे हैं। सब सब यहाँ पे जहाँ जगह मिले वहाँ पे उड़ाना चालू कर देते हैं। और ये हमारा चिंटू भाई यहाँ से भी चना चोर गरम लेके आ गया संक्रांत पे। खाओ बहनों खाओ, शादी में कुछ हो ना हो तब मजा आई बहुत। मसाला चाट मसाला ये सब प्याज डालते, टमाटर प्याज टमाटर गोभी धनिया पत्ता। अच्छा गोभी भी डालता है, पत्ता गोभी तो धनिया और नींबू और नमक मिर्ची। नमक मिर्ची कि इसका कुछ खास मसाला आप बनाते हो? हाँ चाट मसाला के साथ बनता है। अच्छा हरिमा उसमें सब होता है उसमें। अच्छा अच्छा बनाया बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया। पतंग भैया पतंग उड़ाने
ये देखो भाई सामने छत पे कितने लोग हैं। हाँ भाई देखो कितने लोग हैं, और सबके यहाँ के टर्म्स है, जैसे ही कोई पतंग में पैंच लड़ता है ना तो सब चिल्लाते हैं लपेट ए लपेट, और जब कोई पतंग कटती है तो बोलते काय पोछे। आवेरी आवेरी पतंग आवेरी, हवा चेंज से मिलेगी मिलेगी मिलेगी, जाओ 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 जाओ। अभी तो और आएंगे। एक्चुअली वो ऊपर वो क्या बोलते हैं चाइनीज लोग का वो रहते हैं ना ऊपर बलून जैसा रहता है और नीचे से आग लगा देते हैं उसमें।